नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार शर्मा और मैं स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर पार में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मेरा जो आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा AC थ्योरी के बारे में। यानी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिसिटी देखिए दोस्तों क्या होती है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरली आजकल हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन चुका है दोस्तों। यानी आप लोगों को सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर दोस्तों कोई भी काम आज के दुनिया में संभव नहीं है, ठीक है ना। यानी आज के टाइम में कुछ भी काम हमारा इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें दोस्तों, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी को हमने करंट के अकॉर्डिंग बात करूँ दोस्तों में, तो हमने दो भागों में दोस्तों डिवाइड करा हुआ है। एक आती है दोस्तों हमारी DC और एक आती है हमारी AC। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों AC के बारे में नहीं, अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे हम केवल कि AC करंट क्या होता है, ठीक है। AC थ्योरी में जितनी भी चीज़ें आएंगी दोस्तों आपकी, चाहे वेव फॉर्म हो, वेव शेप हो, आपकी RMS वैल्यू हो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो, फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर, पावर फैक्टर, AC में हम हर चीज़ के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है बेसिकली इसका, हमारा AC थ्योरी का। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें दोस्तों, तो जो इलेक्ट्रिकल हमारा बना हुआ है दोस्तों जनरली वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है या तीन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। एक होता है रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस। इसके बिना दोस्तों इलेक्ट्रिकल पे कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। नहीं, इलेक्ट्रिकल इसके बगैर बेकार है एकदम, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये ना हो तो इलेक्ट्रिकल में कुछ भी नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रिकल में पूरे, ये तो समझ लीजिए दोस्तों, उसकी इलेक्ट्रिकल का जान है या जिगर कह लीजिए, कुछ भी कह दीजिए आप, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा रेजिस्टेंस दोस्तों। रेजिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया है DC थ्योरी में पूरा। रेजिस्टेंस में मैंने पिछली वीडियो में आपको सवाल भी कराया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी दोस्तों तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जनरली इंडक्टेंस आता है और कैपेसिटेंस आता है दोस्तों। असली ट्विस्ट तो दोस्तों यहाँ पर शुरू होता है अब इलेक्ट्रिकल में। रेजिस्टेंस तो क्या होता है, रेजिस्टेंस तो कुछ नहीं करता जनरली। रेजिस्टेंस क्या करता है, केवल उसका काम है दोस्तों बाधा को जनरेट करना। बाकी जो इलेक्ट्रिकल में अब जो प्रोसेस रहेगा दोस्तों, वो L और C ही जो रहेगा, उनका मेन योगदान रहेगा हमारे AC थ्योरी के अंतर्गत। यानी इंडक्टेंस भी पढ़ेंगे दोस्तों और हम कैपेसिटेंस भी पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम पढ़ेंगे, आप लोगों ने देखा होगा जब हम DC सर्किट की बात करते हैं, यानी ओम्स लॉ वगैरह हमने पढ़ा, जब DC सर्किट में हम क्या लेते थे वहाँ पर दोस्तों, रेजिस्टेंस को लेते थे। पर जब हम AC थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे दोस्तों, एक नए चीज आएगा हमारे पास जिसको हम बोलते हैं Z, यानी इसको बोलते हैं इंपीडेंस दोस्तों। यानी जो काम आपके DC सर्किट में रेजिस्टेंस ने किया था, वही काम हमारे AC सर्किट में कौन करेगा दोस्तों, इंपीडेंस करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम दोस्तों पढ़ेंगे, ठीक है ना। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, हमारा प्रतिरोध होता है जो विद्युत धारा के मान में अवरोध को उत्पन्न करता है। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को हम डिस्कस करेंगे कि इंडक्टर क्या करता है और कैपेसिटर क्या करता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दोस्तों, तो देखिए रेजिस्टेंस ये होता है इस प्रकार से होता है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस बोलते हैं। सिंबल क्या होता है रेजिस्टेंस का, ये होता है। इंडक्टर की बात करूँ दोस्तों मैं, तो इंडक्टर हमारा क्या होता है, एक वायर को टर्न के रूप में जो दे दिया जाए दोस्तों, एक निश्चित मान का अवरोध उत्पन्न करने के पुर्जे का रूप दे दिया जाए, कंपोनेंट का रूप दे दिया जाए, तो क्या बन जाता है दोस्तों, हमारा इंडक्टर बन जाता है। सो किससे करते हैं इसको, L से शो करते हैं दोस्तों। बात करते हैं आपके कैपेसिटर की दोस्तों, तो क्या होता है, कैपेसिटर का सिंबल हमारा ये होता है। यानी दो चालक प्लेटों के बीच अगर अचालक पदार्थ को रख दिया जाए दोस्तों, तो वो क्या बन जाता है, हमारा कैपेसिटर बन जाता है दोस्तों। तो देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हम बात करें दोस्तों अपने फैन की, बात करें अपने फैन की बात करें दोस्तों, तो फैन में देखिए दोस्तों क्या होता है, हमारा वाइंडिंग होती है कॉपर की या एल्यूमिनियम की, वाइंडिंग करते हैं, वायर होगा एक, हमने चालक यूज करा कंडक्टर। अब कंडक्टर यूज कराया दोस्तों, तो उसके टर्न मार रखे हैं हमने, तो जब टर्न मार देते दोस्तों क्या बन गया, वहाँ पर इंडक्टर बन जाता है। और जब ये वायर है कि कॉपर का है या एल्यूमिनियम का है, तो कंडक्टर है, चालक है, तो उसका क्या होगा दोस्तों, प्रतिरोध कुछ ना कुछ होगा, है ना, उसका प्रतिरोध भी कुछ होगा। और हमने क्या कर दिया उसको, एक टर्न के रूप में यानी वाइंडिंग के रूप में क्या कर दिया दोस्तों, उसको ऐसा लपेट भी दिया कोर पर। तो चल लपेटा तो क्या बन गया दोस्तों, हमारा इंडक्टर भी बन गया। और हमारा सिंगल फेज मोटर होती है, यानी फैन वाली मोटर की बात करें तो सिंगल फेज मोटर तो कभी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, आप लोग आगे पढ़ेंगे। जब हम पॉलीफेज सिस्टम पढ़ेंगे दोस्तों, तो आप वहाँ आपको बताएंगे, आपको थ्री फेज की हम उसमें ग्राफ बनाएंगे, वेवफॉर्म बनाएंगे और सिंगल फेज की बनाएंगे, तो वहाँ पे पता चलेगा आप लोगों को किस में रोटेटिंग फील्ड बनता है, किस में नहीं बनता। खैर वो तो बात की बात है, फिलहाल इसमें डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि देखिए जब हमने टर्न मार दिया तो क्या बन गया, इंडक्टर का रूप भी बन गया। और उसको साथ साथ क्या लगाया दोस्तों, आपने देखा होगा कैपेसिटर भी लगा होता है फैन में हमारे। तो देखिए दोस्तों हमारा जो फैन था हमारा, उसमें तीनों प्रकार के लोड आ गए, यानी तीनों प्रकार के कंपोनेंट आ गए या एलिमेंट आ गए जो आप कह सकते हैं दोस्तों। उसमें रेजिस्टेंस भी आ गया, उसमें इंडक्टेंस भी आ गया, उसमें कैपेसिटेंस भी आ गया। आप ट्रांसफार्मर ले लीजिए, ट्रांसफार्मर क्या होता है, आपकी वाइंडिंग होती है दोस्तों इस प्रकार से, क्या होगी, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। तो वाइंडिंग आप करेंगे, वायर यूज करेंगे और टर्न मारेंगे तो इंडक्टर होगा ही होगा।
तो आप कुछ भी चीज़ ले लीजिए दोस्तों, आप जो भी चीज़ आप लेंगे उसमें रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस में से कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा ही होगा, ठीक है। चाहे रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, इंडक्टेंस हो, सब वस्तु होता है। जहाँ पर भी वाइंडिंग हो जाएगी वहाँ पर इंडक्टर अपना आप आ जाएगा रेजिस्टेंस के साथ साथ, ठीक है। तो चलिए इसमें डिस्कस करते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे दो प्रकार के करंट होते हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ आप इसको नोट करते चलेंगे तो बहुत ही आपके लोगों के लिए दोस्तों अच्छा रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास है ऐसी थ्योरी की, बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा दोस्तों आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट से। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों हम? अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। अब भाई करंट जो होता है ना दोस्तों हमारा, वो दो प्रकार का होता है। करंट की बात करो तो करंट दो प्रकार का होता है, एक एसी करंट होता है, क्या होता है दोस्तों? डीसी करंट होता है। तो यहीं से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, यहीं से अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे कि बात करते हैं दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट की। पहले बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की दोस्तों, कि एसी थ्योरी है तो अल्टरनेटिंग करंट से बात करते हैं। डीसी करंट तो क्या होता है भैया? डायरेक्ट करंट होता है, डिस्ट धारा बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं उसको? डिस्ट धारा बोलते हैं। और एसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, यानी अल्टरनेटिंग करंट हम कहते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है हमारा? चलिए, तो अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है हमारा जो टाइम के साथ, जो समय के साथ दोस्तों अपना डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड, अपना मान व दिशा दोनों को क्या करे? चेंज करे। दोनों को क्या करे दोस्तों? चेंज करे। वो क्या कहलाता है मेरा? अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है मेरा? अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। यानी ऐसी विद्युत धारा, ऐसा करंट यानी ऐसी विद्युत धारा जो समय के साथ अपना मान व दिशा दोनों को क्या करता हो? बदलता हो, यानी परिवर्तित यानी चेंज करता हो दोस्तों, वो क्या कहलाता है मेरा? अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट विद्युत धारा कहलाती है। देखिए दोस्तों यहां पर वैल्यू क्या है? जीरो है। यहां पर जाएगी, जीरो से बढ़ना शुरू हुआ, यहां पर क्या होती है दोस्तों? मैक्सिमम हो जाती है। यानी इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों? 90, ये 90 होता है हमारा, यानी इसको क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम बोल सकते हैं। यहां पर वैल्यू क्या होती है दोस्तों करंट की? मैक्सिमम हो जाती है। फिर यहाँ पे दोस्तों घटना शुरू हुआ, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई? दोबारा से जीरो हो गई। फिर निगेटिव, यानी ये पॉजिटिव में था, ऊपर की तरफ चला था, अब नीचे की तरफ डायरेक्शन क्या कर लिया है इसने? चेंज कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, उसने अपना मान भी चेंज किया, पहले बढ़ाया और फिर घटाया, और फिर यहाँ पे दोस्तों विपरीत दिशा में बढ़ाया, मैक्सिमम पहुँचा, और फिर दोबारा से मिनिमम होता हुआ दोस्तों यहाँ पर जीरो पे पहुँच गया। तो देखिए दोस्तों, यानी इससे पता लग रहा है, यानी अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है हमारी जो समय के साथ साथ अपने डायरेक्शन और अपना एम्पलीट्यूड यानी अपनी दिशा और मान को दोनों को चेंज करता हो, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमें साइकिल प्राप्त हुई एक प्रकार की, ये इसको ये होती हमारी एक वेव फॉर्म। इसको पूरी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वेव फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेव फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव फॉर्म बोलते हैं। अब ये वेव फॉर्म का नाम क्या है दोस्तों? तो इस वेव फॉर्म का नाम होता है दोस्तों आपका साइन वेव। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? साइन वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? साइन वेव बोलते हैं, या साइनोसोडल वेव फॉर्म बोलते हैं, या क्या बोलते हैं दोस्तों? साइनो, क्या बोलते हैं दोस्तों? साइनोसोडल वेव फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनो सोडल वेव फॉर्म इसको बोलते हैं। आपको इस चीज का याद रखना है, साइन वेव या साइनोसोडल वेव फॉर्म इसको बोलते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि वेव फॉर्म होती क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों वेव फॉर्म हमारी होती क्या है। वेव फॉर्म बोले या इसको वेव शेप बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं इसको हम? वेव शेप। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? साइन वेव बोल सकते हैं इसको, वेव फॉर्म बोल सकते हैं, या वेव शेप इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें दोस्तों, यानी वेव शेप क्या होती है हमारी? जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है दोस्तों? अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हम, पहले मैं आपको वेव फॉर्म बता देता हूँ दोस्तों। पहले मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि वेव फॉर्म क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, प्रत्यर्ति राशि के, यानी ये प्रत्यर्ति राशि होगी हमारी, प्रत्यर्ति राशि के इंस्टेंटेनियस वैल्यू, प्रत्यर्ति राशि के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम बोलते हैं तक्षणिक मान। क्या बोलते हैं दोस्तों? तत्क्षणिक मान बोलते हैं, या तत्कालिक मान भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? तत्कालिक मान भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी प्रत्यर्ति राशि के इंस्टेंटेनियस वैल्यू में आती है हमारी वोल्टेज व करंट। क्या आते हैं? वोल्टेज व करंट। प्रत्यर्ति राशि के इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज व करंट, व यानी वोल्टेज करंट तो अंदर आती, व समय के साथ दोस्तों, व समय के साथ खींचे गए वक्र को, खींचे गए
वक्र को क्या बोलते हैं? वेव शेप, वेव शेप या वेव फॉर्म बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? वेव शेप या वेव फॉर्म। प्रत्यवर्ती राशि के, यानी प्रत्यवर्ती राशि हो गई हमारी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यवर्ती राशि होती है वोल्टेज बोलते हैं या करंट बोलते हैं। प्रत्यवर्ती राशि में क्या आती है दोस्तों? अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, दो चीज आती है, तो वोल्टेज आती है या क्या आती है दोस्तों? करंट आती है, आपको याद रखना है। ये जो वेव शेप होती है हमारी, इसको करंट बोल दीजिए। दो होती है हमारी, एक वोल्टेज का होता है और एक करंट के लिए होती है। तो प्रत्यवर्ती राशि में दो चीजें आती हैं, एक वोल्टेज आती है और एक करंट आती है, ठीक है। ये क्या होती है हमारी? अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है, एक वोल्टेज और एक करंट, यानी प्रत्यवर्ती राशि के इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी वोल्टेज व करंट, ठीक है ना, इंस्टेंट वैल्यू व समय के साथ खींचा गया जो वक्र होगा आपका, वही क्या कहलाएगा? मेरा वेव फॉर्म या वेव शेप कहलाएगा दोस्तों, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? मेरा वेव फॉर्म या वेव शेप कहलाएगा, यानी जो हमारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है हमारी, उसके जो टाइम के रेस्पेक्ट में जो वक्र आप खींचोगे, वही क्या कहलाएगा? मेरा वेव शेप कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आप नोट कर लीजिए, इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को। आप इसको दोस्तों साथ साथ करते चलेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, आप इसको नोट करते चलिए बस, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इसमें थोड़ा सा कि हमारे, अब देखिए हमारी अल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ क्या है हमारे दोस्तों? डायरेक्ट करंट है। तो अब हम यूज कर रहे हैं ज्यादातर, आपने देखा होगा अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं दोस्तों, है ना। हम क्या करते हैं ज्यादातर ही, क्या यूज करते हैं दोस्तों? अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। तो उसका एडवांटेज क्या होता है? कुछ लाभ होगा हमें, तभी तो हमने यूज करा, नहीं तो भाई हमारे पास एक डीसी करंट भी है और एक एसी करंट भी है, परंतु ज्यादा हम ट्रांसमिटिव भी एसी कर रहे हैं, घरों में भी एसी यूज कर रहे हैं, ना। तो देखिए दोस्तों कुछ ऐसे काम होते हैं हमारे जो डीसी सप्लाई से हो सकते हैं और एसी से नहीं हो सकते, ठीक है ना। डीसी की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी दोस्तों, अगर बताना चाहूँ मैं आप लोगों को कि डीसी की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी, जैसे बैटरी चार्जिंग होती है आपकी, बैटरी चार्जिंग हमारी डीसी एसी से नहीं हो सकती दोस्तों, तो उसके लिए डीसी की आवश्यकता पड़ी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है, धातु शोधन, धातु निष्कर्षण जो प्रोसेस होते हैं हमारे, ये सब डीसी सप्लाई से होते हैं दोस्तों, एसी से नहीं होते। तो हम पहले कंपैरिजन करते हैं दोस्तों इनका, और मैं बात करना चाहूंगा आपसे डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ देखते हैं पहले। डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ ये देखते हैं दोस्तों, है ना। डीसी अपेक्षा एसी के लाभ क्या होते हैं हमारे, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हमारे कि डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ क्या होते हैं दोस्तों। अभी आप घबराइए मत दोस्तों, मैं एसी की जो वेव फॉर्म है हमारी, वेव फॉर्म पे हम आएंगे दोबारा से, वेव फॉर्म का दोबारा से नेट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे और उसमें बताएंगे थोड़ा सा आपको वेव शेप में, बताऊंगा आपसे उसमें वेव शेप से सवाल किस प्रकार से आता है दोस्तों। पहले हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको वेव फॉर्म के बारे में बताऊंगा, एक वेव फॉर्म का पर्टिकुलर डायग्राम बनाएंगे और उसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ क्या होते हैं। पहला होता है जनरेशन एट हाई वोल्टेज, जनरेशन एट हाई वोल्टेज। पहला क्या होता है दोस्तों, पहला हमारा अंतर हो गया कि पहला पॉइंट क्या होता है हमारा, जनरेशन एट हाई वोल्टेज दोस्तों, कि डीसी अपेक्षा एसी का लाभ क्या होता है कि एसी को जनरेट जो कर सकते हैं हाई वोल्टेज पे जनरेशन कर सकते हैं दोस्तों। डीसी का जनरेशन हाई वोल्टेज पर हम नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है ना। तो जो एसी का जो जनरेशन होता है दोस्तों भारत में, हम कितने केवी पे जनरेशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? हम 11 केवी पर क्या करते हैं दोस्तों, जनरेशन करते हैं। कितने केवी पर जनरेशन करते हैं दोस्तों? 11 केवी पर जनरेशन करते हैं। और 1 केवी बराबर कितना होता है दोस्तों? 1 केवी बराबर होता है 1000 वोल्ट। 1 केवी बराबर कितना होता है दोस्तों? 1000 वोल्ट के होता है। तो 11 केवी कितना हो गया दोस्तों आपका? 11000 वोल्ट। कितना हो गया दोस्तों? 11000 वोल्ट। तो जो जनरेशन होता है एसी का, हम जनरेट करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, वो कितने केवी पर जनरेशन करते हैं? 11 केवी पर जनरेशन करते हैं। तो पहला पॉइंट ये आता है हमारा कि डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ में, कि जनरेशन एट हाई वोल्टेज, एसी को क्या है दोस्तों, अधिक उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी एसी का उत्पादन क्या कहता है? डीसी पे एक से ज्यादा किया जा सकता है। डीसी जनरेशन जो करते हैं दोस्तों मैक्सिमम कहां तक करते हैं? 650 वोल्ट तक क्या करते हैं उसको जनरली जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 650 वोल्ट कहां है दोस्तों? कहां? 11000 वोल्टेज, है ना। तो एसी को हम क्या कर सकते हैं? जनरेशन ज्यादा कर सकते हैं। आपको इस चीज का याद रखना है दोस्तों कि जनरेशन एट हाई वोल्टेज, पहला पॉइंट ये आएगा बस में, आप इतना ही याद रखना कि एसी का जो उत्पादन कर सकते हैं डीसी अपेक्षा ज्यादा कर सकते हैं, यानी 11000 केवी पे जनरेशन होता है हमारा। आपको जो पॉइंट है वो याद रखने हैं कि जनरेशन कितने केवी पे होता है? 11 केवी पर होता है। जो विकासशील देश पर जो होते हैं हमारे, जैसे अमेरिका वगैरह की बात करें, तो वो 33 केवी पे जनरेशन करते हैं दोस्तों। वो कितने केवी पे जनरेशन करते हैं हमारे? 33 केवी पर।
यूएस वगैरह जो होते हैं हमारा, वो कितने पे जनरेशन करते हैं दोस्तों? वो 33 kV पे जनरेशन करते हैं, और हम जनरेशन कितने पे कर रहे हैं दोस्तों? 11 kV पे। और फ्रिक्वेंसी की बात करो दोस्तों, भारत की जो फ्रिक्वेंसी रखी गई है हमारी, वो रखी गई है दोस्तों 50 हर्ट्ज। कितनी रखी गई है? 50 हर्ट्ज। एसी थ्योरी में आपकी सब चीज़ आएगी, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, पिक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सब चीज़ पढ़ेंगे दोस्तों, घबराइए मत। तो जब जनरेशन की बात करते हैं, 11 kV पर होता है। फ्रिक्वेंसी कितनी होती है भारत की दोस्तों? 50 हर्ट्ज होती है। और अमेरिका की फ्रिक्वेंसी की बात करूँ मैं, तो वो फ्रिक्वेंसी कितने पर रखते हैं दोस्तों? अपनी 60 हर्ट्ज पे है उनकी फ्रिक्वेंसी। उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है दोस्तों? 60 हर्ट्ज, यानी 60 हर्ट्ज उनकी फ्रिक्वेंसी है। हमारी फ्रिक्वेंसी, इंडियन फ्रिक्वेंसी कितनी है दोस्तों? इंडियन फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो कितनी है दोस्तों? 50 हर्ट्ज। कितने वाली? 50 हर्ट्ज होती है। और जनरेशन के वोल्टेज है हमारी 11 kV। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को इतना तो पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अगला क्या होता है हमारा, कि अगला पॉइंट है हमारा, इसमें आते हैं कि और क्या एडवांटेज होता है इसका, लो कॉस्ट ऑफ एसी ट्रांसमिशन। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? लो कॉस्ट ऑफ एसी ट्रांसमिशन, ठीक है ना, आपको इस चीज़ को याद रखना है। या लो कॉस्ट ऑफ, या रेट ऑफ, कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, रेट ऑफ भी लिख दो चाहिए आप, लो कॉस्ट रेट ऑफ ट्रांसमिशन, यानी जो जो ट्रांसमिट करते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, कम लागत पर कर सकते हैं। बात करना चाहूँगा आपसे, जो एसी का जो ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना दोस्तों, वो ट्रांसमिशन में आएगा। जो जनरेटिंग वोल्टेज होती है हमारी, जनरेट तो कर दिया, अब इलेक्ट्रिसिटी को भेजेंगे भी तो भाई, जो हमारे पावर हाउस वगैरह होते हैं उनका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके आगे ट्रांसमिट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, हमारे घर तक पहुंचाना, तो वो किस में आएगा दोस्तों? जनरेशन में तो आता है हमारा क्या, कि जनरेट तो कर दी। अब इसमें हमारे देखो तीन चीज़ें होती हैं दोस्तों हमारी, मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें हमारी तीन चीज़ें होती हैं दोस्तों, पावर हाउस, यानी एक जनरेटिंग स्टेशन होता है, जो पावर हाउस होते हैं जो विद्युत को बनाते हैं, जनरेटिंग स्टेशन होता है। एक क्या होता है दोस्तों हमारा, पिटकुल आता है। पिटकुल का काम क्या होता है दोस्तों? ट्रांसमिट करने का। जनरेशन पावर हाउस वगैरह करते हैं, यूजेविनल, यूपीसीएल, अलग जो जो हमारा यूजेविनल होता है, जनरली उत्तराखंड जल विद्युत निगम की बात करें, हर स्टेट का अलग अलग होता है जनरली, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। जैसे UPRVUNL है, उसकी भर्ती निकली हुई है, तो वो भी क्या करता है दोस्तों आपका, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का क्या करते हैं दोस्तों, काम करते हैं। तो एक तो होते हैं हमारे जनरेटिंग स्टेशन, एक क्या काम क्या होता है दोस्तों, एक डिपार्टमेंट का होता है ट्रांसमिट करना इलेक्ट्रिसिटी, जो पिटकुल देखता है, और एक होता है दोस्तों हमारा डिस्ट्रीब्यूट करने का घरों में, उसको हम बोलते हैं दोस्तों UPCL वगैरह क्या करते हैं, या UPPCL वगैरह, हर स्टेट का अलग अलग होता है, वो क्या करता है, उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो एनर्जी डिपार्टमेंट हमारे दोस्तों तीन हिस्से में बटा हुआ है, आपको ये भी याद रखना है, यानी जो एनर्जी जो डिपार्टमेंट है हमारा, ऊर्जा विभाग है हमारा, वो तीन हिस्सों में काम करता है, एक जनरेटिंग स्टेशन में, एक ट्रांसमिट स्टेशन में, और एक डिस्ट्रीब्यूट स्टेशन में। तो थ्री स्टेजेस में क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। एक का काम होता है जनरेट करना, दूसरे का काम होता है उसको ट्रांसमिट करना, और तीसरे का वर्क क्या होता है दोस्तों आपका, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का याद रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, लो कॉस्ट रेट ऑफ ट्रांसमिशन, यानी संचरण की निम्न लागत दर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संचरण की निम्न लागत दर। लिख देता हूँ आप कहेंगे तो दोस्तों, इसको रफ कर देते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, साथ साथ नोट करते चलें, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें दोस्तों, ताकि आपको नोट करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। संचरण की निम्न लागत दर, संचरण की निम्न लागत दर या निम्न लागत, ठीक है ना। ये संचरण की निम्न लागत का मतलब क्या दोस्तों? जो हम एसी का ट्रांसमिट करते हैं दोस्तों, डीसी के अपेक्षा क्या कर सकते हैं, कम खर्चे पर भेज सकते हैं, क्योंकि डीसी को ट्रांसमिट आपको बताया था दोस्तों। अब एसी की बात करना चाहूंगा, एसी की जो हमने जनरेट करा दोस्तों, एसी को हम जनरेट करते हैं 11 kV पर, जनरेट कर दिया। अब इसको क्या करना है दोस्तों? ट्रांसमिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 11 kV पर ट्रांसमिट नहीं करूंगा, इसको क्या करूंगा, 132 kV, 220 kV या 220 kV कर दो, 132 kV कर दो, या 66 kV या 440 kV, ठीक है ना, यानी 400 kV हो गया। और मैक्सिमम जो ट्रांसमिशन हो रहा है दोस्तों इंडिया में इस टाइम, मैक्सिमम इंडिया की ट्रांसमिशन की बात करो तो कितने बोलते हैं दोस्तों? 765 kV, 765 kV पर क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है ना, यानी 400 kV का सीधा किस पर ट्रांसमिशन कर रहे हैं हम? 765 kV पर क्या कर रहे हैं दोस्तों? ट्रांसमिशन कर रहे हैं। और ये ट्रांसमिशन कौन सा ट्रांसमिशन है दोस्तों? एसी ट्रांसमिशन है आपका। कौन सा ट्रांसमिशन है? एसी ट्रांसमिशन है दोस्तों, आपको इसी का याद रखना है, ठीक है ना। 765 kV
कौन सा ट्रांसमिशन आपका एसी ट्रांसमिशन है, ठीक है ना। डीसी ट्रांसमिशन भी हो रहा है, वो आपका आता है 715 वोल्ट आता है या 715 के समथिंग आता है वो, उसमें आप देखे और मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कितना आता है सर, लगभग लगभग 715 750 वोल्ट तक आता है जनरली, 700 से ऊपर, ये 700 का मान लीजिए पूरा, वो कितना होता है हमारा 700 केवी दोस्तों। 700 केवी का जो है हमारा वो डीसी ट्रांसमिशन है, डीसी ट्रांसमिशन भी है और एसी का मैक्सिमम ट्रांसमिशन की लाइन है भारत में इस टाइम 765 केवी, और डीसी का ट्रांसमिशन की बात करते हो कितनी दोस्तों 700 केवी। अब बात कर रहा था मैं दोस्तों कि संचरण की निम्न लागत दर यानी लो कॉस्ट रेट ऑफ ट्रांसमिशन, लाभ पड़ रहे हैं एसी का हम डीसी की अपेक्षा। तो देखिए दोस्तों जब हम ट्रांसमिट करते हैं इसको, जनरेशन हमने करा 11 केवी पर, उसका तो क्या करेंगे एक ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे दोस्तों ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर क्या करता है। ट्रांसफार्मर जनरली क्या करता है दोस्तों, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का क्या करता है कार्य करता है आप लोगों का, ठीक है ना। यानी ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है दोस्तों, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज में बदलना और हाई को लो में बदलना। तो ट्रांसफार्मर से क्या करेंगे इस 11 केवी को इस स्टैंडर्ड वोल्टेज में हम क्या कर देंगे दोस्तों कन्वर्ट कर देंगे यानी स्टेप अप कर देंगे और इजिली उसको क्या कर देंगे दोस्तों ट्रांसमिट कर देंगे। जब हम ट्रांसमिट उसको करेंगे दोस्तों हाई वोल्टेज पे, तो उससे क्या होता है दोस्तों हमारी जो जो ट्रांसमिशन की लागत आती है कम आती है। कम क्यों आती है दोस्तों वो भी डिस्कस करेंगे अभी हम, क्योंकि दोस्तों से क्या होता है हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होती है दोस्तों हमारी एक वोल्टेज होती है, हमारी वोल्टेज है और एक करंट है दोस्तों, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है दोस्तों कि इसको रफ करता हूं मैं बताता हूं आपको, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है दोस्तों कि जो हमारी वोल्टेज होती है दोस्तों, एक हमारी क्या होती है वोल्टेज होता है और क्या होता है हमारा करंट होता है दोस्तों। तो जब वोल्टेज होती है वोल्टेज पे डिपेंड करता है दोस्तों, वोल्टेज पे जनरली वोल्टेज के अनुसार क्या डिजाइन होता है हमारा इंसुलेशन, वोल्टेज के अकॉर्डिंग इंसुलेशन डिजाइन होता है, करंट के अकॉर्डिंग क्या होता है साइज डिजाइन होता है, वायर का साइज किसी भी चीज का साइज निर्धारण होगा कि वायर का साइज मोटा रखा जाएगा या पतला रखा जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग होता है दोस्तों करंट के अकॉर्डिंग होगा। अगर मैं लो वोल्टेज वाली बात ट्रांसमिट करूंगा तो पहली बात तो यहां से ज्यादा दूर तक हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अगर मैं ज्यादा दूर ट्रांसमिट नहीं कर सकता दोस्तों थोड़ी दूर तक करूंगा तो वायर का साइज मुझे क्या रखना पड़ेगा मोटा रखना पड़ेगा दोस्तों, और वायर का साइज अगर मैं मोटा रखूंगा आपका तो वायर के साइज में वेट ज्यादा हो जाएगा, वायर में वेट ज्यादा होगा दोस्तों तो आपके जो पोल्स होते हैं पोल्स में वायर ज्यादा लटक जाएगा दोस्तों, ज्यादा क्या आ जाएगा ज्यादा इस प्रकार से सैग आ जाएगा, और जब सैग ज्यादा आ जाएगा दोस्तों सैग को कम करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें एक पोल यूज करना पड़ेगा, तब क्या होगा दोस्तों हमारा सैग की वैल्यू कम होगी, नहीं तो वायर में झोल ज्यादा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर मैं मोटा वायर सड़कों पर ऐसे लगा दूं दोस्तों पोल पर टांग दूं तो आप देखना ऐसे झूल जाएगा, वो ऐसे झूलेगा तो क्या होगा ज़्यादा सैग आ जाएगा, उस सैग को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें एक और पोल लगाना पड़ेगा दोस्तों। फिर आप एक और पोल लगाओगे तो उसमें जो पोल लगता है हमारा दोस्तों उसमें क्रॉस आर्म भी लगेगी, उसमें इंसुलेटर भी लगेगा, उसमें जम्पर वायर भी लगेगा, उसका नींव का खर्चा आएगा, खुदाई का खर्चा आएगा, उसमें अर्थिंग का खर्चा आएगा, तो बहुत सारी चीज़ आती है दोस्तों, तो खर्चा वगैरह आ जाएगा दोस्तों, हर चीज़ क्या हो जाएगी दोस्तों बढ़ जाएगी हमारी, यानी कॉस्ट बढ़ जाएगी लाइन की, यानी जो हमारा जो हमारी जो कॉस्ट हो जाएगी लागत है दोस्तों बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं दोस्तों हम कि वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, फिर क्या करते हैं दोस्तों हम ट्रांसमिट करते हैं, तो उससे क्या होती है दोस्तों हमारी संचरण की निम्न लागत दर होती है, यानी संचरण कॉस्ट क्या आती है दोस्तों कम आती है हमारी, ठीक है ना। अगला पॉइंट की बात करता हूं दोस्तों, अगले पॉइंट में बताते हैं आपका, यानी आप इसमें बस एक चीज याद रखना दोस्तों जो आपको बताया है इसमें एक चीज आप ये याद रखिए, पी बराबर क्या होता है दोस्तों वी इंटू आई कॉस फाई, ये क्या होता है हमारा दोस्तों पावर का फॉर्मूला होता है कि पी बराबर वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई, ये किसके लिए होता है दोस्तों एसी के लिए होता है, किसके लिए होता है हमारा एसी सर्किट के लिए होता है। डीसी में क्या यूज करते हैं हम पावर का फॉर्मूला पी बराबर वोल्टेज इंटू करंट, क्या यूज करते हैं पी बराबर वोल्टेज इंटू करंट यूज करते हैं, इसमें क्या आ जाता है एसी में कॉस फाई आता है, कॉस फाई क्या होता है हमारा यहाँ पर पावर फैक्टर होता है, कॉस फाई को क्या बोलते हैं हम पावर फैक्टर बोलते हैं, आप बस याद रखना, ठीक है। यानी मैंने आपको क्या बताया अभी दोस्तों पी बराबर वी इंटू कॉस फाई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा पी अपॉन वी इंटू कॉस फाई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों वोल्टेज है और ये करंट है दोस्तों, अब यहाँ इससे देख लीजिए आप समझ में आ जाएगा आपको, वोल्टेज को मैं इंक्रीज कर दूंगा तो करंट के लिए क्या हो जाएगी दोस्तों डिक्रीज हो जाएगी, परंतु अगर मैं वोल्टेज को दोस्तों क्या करूंगा घटा दूंगा ना, अगर वोल्टेज में कम भेजूंगा तो मेरी करंट के लिए बढ़ जाएगी, करंट के लिए बढ़ेगी तो जो मैंने भी आप लोगों को बताया ना दोस्तों सारा प्रोसेस वो हो जाएगा हमारा, यानी जो कॉस्ट हो जाएगी हमारी ओवरऑल बढ़ जाएगी दोस्तों। तो इसमें क्या होगा कॉस्ट को नहीं बढ़ाना है, इसी समस्या उत्पादन नहीं करनी है हमें, तो इसलिए क्या करते हैं वोल्टेज को ज़्यादा रखते हैं और करंट को क्या रखते हैं दोस्तों कम रखते हैं, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ होती है कहीं पर पावर को कांस्टेंट रखा जाए और कॉस फाई को कांस्टेंट रखा जाए तो जो करंट होगी दोस्तों आपकी इस प्रकार से आ जाएगी, वोल्टेज बढ़ेगी अब हमारी तो करंट के लिए क्या आ जाएगी दोस्तों कम हो जाएगी, नियत शक्ति संचरण
नियत नियत पावर फैक्टर को कांस्टेंट रखा जाए, और पावर को कांस्टेंट रखे तो क्या होता है दोस्तों, आई इज इक्वल टू वन अपॉन वी हो जाता है, और वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कैली क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा सरल उपकरण संरचना। अगला पॉइंट की बात करते हैं, सरल उपकरण संरचना। अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा सरल उपकरण संरचना। सरल उपकरण संरचना, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल इक्विपमेंट। कंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं इसको, सिंपल इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन दोस्तों। जो एसी में यूज होने वाले दोस्तों हमारे इक्विपमेंट होते हैं ना, तो उनकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है दोस्तों, सरल होते हैं, सिंपल होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, आपको इसको याद रखना है। ठीक है ना, यानी जो एसी पर जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसकी संरचना क्या होती है, सरल होती है। ट्रांसफार्मर वगैरह जो हो गया हमारा, उनकी संरचना सरल होती है। इक्विपमेंट की बात करें, मल्टीमीटर हो गया हमारा, एमीटर हो गया, सीटी पीटी की जो संरचना क्या रहेगी दोस्तों, सरल रहती है। ठीक है, आपको इस चीज़ का भी याद रखना है, क्योंकि जो दोस्तों हमारे जो डीसी की बात करते हैं, आपको डीसी में क्या होता है दोस्तों, डीसी में खर्चा वगैरह ज़्यादा आता है। अगर डीसी को आप ट्रांसमिट करोगे तो उसके लिए क्या आता है दोस्तों, उसके लिए क्या चाहिए, इन्वर्टिंग स्टेशन चाहिए, इन्वर्टर चाहिए, कन्वर्टर भी चाहिए। एसी पहले डीसी में कन्वर्ट करो, क्या चाहिए दोस्तों, कन्वर्टर भी चाहिए। पहले क्या कर दिया आपने, कन्वर्ट कर दिया, एसी को डीसी में बदला और फिर कन्वर्ट करा, फिर कन्वर्ट करके क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे वहां पर, उसको दोबारा एसी बदलना पड़ेगा, तो इन्वर्टर खर्चा होती है। तो इसके लिए जो सरल जो सन जो एसी की बात करना चाहूंगा, एसी के लिए क्या होती है, सिंपल इक्विपमेंट की कंस्ट्रक्शन होती है। संरचना क्या रहेगी दोस्तों, सरल रहेगी। अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा इजी वोल्टेज कन्वर्जन। अगला पॉइंट क्या आता है हमारा दोस्तों, इजी वोल्टेज कन्वर्जन। अगला पॉइंट क्या आता है दोस्तों हमारा, इजी वोल्टेज कन्वर्जन, यानी सरल वोल्टेज परिवर्तन दोस्तों। क्या बोल सकते हैं इसको हम, सरल वोल्टेज परिवर्तन या सरल वोल्टता परिवर्तन, यानी आसानी से क्या कर सकते हैं दोस्तों, वोल्टेज का परिवर्तन कर सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं दोस्तों, वोल्टेज का परिवर्तन कर सकते हैं, आपको इस चीज का याद रखना है दोस्तों। यानी जो हमारा इजी वोल्टेज कन्वर्जन क्या यूज करते हैं दोस्तों, हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं दोस्तों, हम ट्रांसफॉर्मर, क्या यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं। क्या कर, ट्रांसफॉर्मर मैंने आपको बताया था क्या करता है, कि वोल्टेज को क्या करता है, वोल्टेज व करंट को दोस्तों, वोल्टेज बात करो, स्टेप अप व स्टेप डाउन करता है, स्टेप अप व स्टेप डाउन करता है। आपको याद रखना है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर केस में ट्रांसफॉर्मर क्या करता है हमारा, स्टेप और वो स्टेप डाउन करता है, किसको, वोल्टेज को हमारी, वो बढ़ा कर सकता है और घटा सकता है। तो इजी वोल्टेज कन्वर्जन, इजी वोल्टेज कन्वर्जन कर सकते हैं, लो वोल्टेज हाई में बदल सकते हैं और हाई को लो में बदल सकते हैं यूजिंग ट्रांसफॉर्मर के द्वारा दोस्तों। और ट्रांसफॉर्मर जो होता है दोस्तों हमारा, वर्क करता है केवल एसी सप्लाई पर, आपको इसी का याद रखना है दोस्तों। पॉइंट्स होते हैं वीडियो के बीच बीच में, आपको उन पॉइंट्स पर ध्यान देकर चलना है दोस्तों, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो आप लोगों को वीडियो के दौरान बता दिए जाते हैं और आप इस पर इतना गौर नहीं करते, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिन पर आपको याद रखना है, जो हमेशा आपको याद रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आपको ना पता हो कि ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग क्या होती है, फिलहाल अभी नहीं पढ़ाया गया है, तो फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर वर्क किस पर करता है, एसी पे क्या कार्य करता है, एसी किस पर करता है, एसी पे कार्य करता है। इजी वोल्टेज कन्वर्जन का मतलब है कि सरल वोल्टता परिवर्तन, वोल्टता में परिवर्तन कर सकते हैं, सरल है, किसके द्वारा, ट्रांसफॉर्मर के द्वारा। डीसी को सरल नहीं होता दोस्तों, डीसी को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि डीसी पर ट्रांसफॉर्मर वर्क नहीं करता है ना, डीसी पर ट्रांसफर वर्क नहीं करता है, तो उसमें सरल नहीं होता वोल्टेज को चेंज करना, इसलिए हम डीसी को ट्रांसमिट भी नहीं करते एकदम से, ठीक है। लिए उसके लिए खर्चा बढ़ जाता है, मैंने आपको बताया था अभी कि इन्वर्टर का खर्चा बढ़ जाएगा, कन्वर्टर का खर्चा बढ़ जाएगा, तो इसलिए एसी में क्या होता है दोस्तों, ईजी वोल्टेज कन्वर्जन आपका होता है यूजिंग ट्रांसफॉर्मर के द्वारा। ट्रांसफॉर्मर के द्वारा हम वोल्टेज को क्या कर सकते हैं दोस्तों, कन्वर्जन कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, लो को हाई में और हाई को लो में, ठीक है ना। यदि आपने 11,000 पे जनरेशन किया है दोस्तों, तो आप उसको स्टेप भी कर सकते हैं। आपने 11 KV को अगर 220 KV में आपने कन्वर्ट किया है दोस्तों, तो आप 220 को 132 KV में कन्वर्ट कर दो, 33 KV में कन्वर्ट कर दो, 66 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। जितने KV में आप कन्वर्ट करना चाहें दोस्तों, कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसफॉर्मर के द्वारा। अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों हम, कि अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों हमारा, अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों कि एसी का डीसी में सरलता से परिवर्तन।
एसी का डीसी में सरलता से परिवर्तन, यानी एसी को डीसी में सरलता से परिवर्तन, एसी कन्वर्ट, ठीक है ना, यानी एसी को डीसी बदलना, क्या बोल सकता हूं उसे, एसी टू डीसी कन्वर्ट, एसी को डीसी में बदलना दोस्तों क्या होता है, आसान कार्य होता है, ठीक है ना, यानी एसी को डीसी में बदलना दोस्तों क्या होता है, आसान कार्य होता है, इजिली कन्वर्जन एसी टू डीसी, यानी एसी को डीसी में बदलना क्या होता है दोस्तों, सरल कार्य होता है, और ये कार्य कौन करता है दोस्तों, हमारा रेक्टिफायर करता है, कौन करता है दोस्तों, रेक्टिफायर करता है, कौन करता है दोस्तों, रेक्टिफायर के द्वारा क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ये पॉइंट है आपको तो याद रखना है दोस्तों, यानी एसी को डीसी हम किसके द्वारा बदल सकते हैं दोस्तों, क्या लिखा हमने, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, यानी किसके द्वारा बदल सकते हैं दोस्तों, हम एसी को डीसी में किसके द्वारा बदल सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टिफायर के द्वारा, किसके द्वारा बदल सकते हैं दोस्तों, रेक्टिफायर के द्वारा, ये क्या होता है प्रकार का, ये डायोड हमारा जो होता है, ठीक है ना, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये डायोड जो हमारी डिवाइस होती है ये क्या होती है दोस्तों, एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है, क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल क्या होती है दोस्तों, डिवाइस होती है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब आपको बताया था पिछली वीडियो में मैंने, यूनिलैटरल और बाइलैटरल, यूनिडायरेक्शनल और बाइडायरेक्शनल, है ना, यूनिलैटरल का मतलब क्या है, केवल एक ही दिशा में फ्लो होने वाली, यानी जो करंट को केवल एक ही दिशा में फ्लो कर सकता हो, एक ही दिशा में फ्लो करा सकता हो, वो क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा यूनिडायरेक्शनल डिवाइस कहलाता है, डायोड जो होता है यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है, और वर्किंग क्या कर, रेक्टिफायर का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या करते हैं इसका हम दोस्तों यूज करते हैं, क्या करते हैं, एसी को डीसी में बदलने के लिए इसका यूज हम करते हैं, और लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों उसमें, कम अनुरक्षण की आवश्यकता, नीड ऑफ लेस मेंटेनेंस दोस्तों, अगला पॉइंट क्या आता है, कम अनुरक्षण यानी कम मेंटेनेंस की आवश्यकता दोस्तों, एसी में जो होता है हमारा मेंटेनेंस की आवश्यकता क्या होती है दोस्तों, कम होती है डीसी इक्विपमेंट की तुलना में या डीसी कंपोनेंट की तुलना में, ठीक है ना, यानी कम कम मेंटेनेंस की आवश्यकता, यानी क्या होती है दोस्तों हमारी एसी सप्लाई में जो होती है हमारी एसी सप्लाई में क्या होती है दोस्तों, कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि जो मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस जो होता है हमारा एसी में क्या होता है दोस्तों, कम होता है, परंतु डीसी में मेंटेनेंस क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है, आपको इसमें बस इतना याद रखना है, ठीक है ना, यानी जो जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, जो मशीन्स वगैरह होंगी हमारी, ठीक है ना, तो एसी मेंटेनेंस की आवश्यकता कम होती है, मोटर्स वगैरह की बात करो तो जो मोटर्स भी हमारी होती हैं, एसी मोटर की बात करूँ, डीसी मोटर की बात करूँ, तो जो एसी मोटर का जो दोस्तों मेंटेनेंस जो होता है वो क्या होता है, लो होता है, परंतु जो डीसी मोटर्स का जो मेंटेनेंस होता है दोस्तों, डीसी मोटर्स का जो मेंटेनेंस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें कार्बन ब्रश वगैरह जो होते हैं वो जल्दी घिस जाते हैं दोस्तों, कंप्यूटर होता है, ब्रश वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परंतु जो एसी मोटर होते हैं दोस्तों उसमें कोई ऐसा प्रोसेस ना तो कंप्यूटर होता ना ब्रशेस वगैरह जनरली होते, तो इसका जो मेंटेनेंस रहता है वो कम रहता है, और एसी के जो डीसी का मशीनों का मेंटेनेंस रहता है दोस्तों वो क्या रहता है आपका, ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये कुछ हमारे क्या थे दोस्तों पॉइंट्स थे जिनका आपको जरूरी याद रखना है कि हाई वोल्टेज में क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं, हाई वोल्टेज में जनरेशन कर सकते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है दोस्तों, कम होती है, एसी को डीसी में सरलता से बदला जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे सिंपल इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन होती है, या संचरण की दर क्या होती है, कम होती है, लागत दर क्या होती है दोस्तों हमारी, कम होती है, इजीली से क्या कर सकते हैं उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है नियत वोल्टेज नियत पावर की और नियत पावर फैक्टर की स्थिति में वोल्टेज और करंट को क्या रखते हैं दोस्तों, वोल्टेज बढ़ा देंगे, करंट के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, करंट के लिए कम होगी तो ओवरऑल जो कॉस्ट रहेगी हमारी ट्रांसमिशन की वो क्या रहेगी दोस्तों, इकोनॉमिकल रहेगी, यानी मितव्ययता रहेगी हमारी, ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं हम। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हम आएंगे हम अपनी साइन वेव पे दोस्तों, किस पर आएंगे अपनी साइन वेव पे, हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, मैंने आपको एसी और डीसी में बहुत सारे अंतर कराए थे, ठीक है ना, मैंने आप लोगों को एसी और डीसी में 10 से ज़्यादा 14-15 डिफरेंसेस आपको लिखवाए थे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, ठीक है ना, आपका उससे कोई बाहर नहीं पूछा जाएगा आपको पेपर में, अगर आपका आएगा तो आपको मैं आपका उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, मैंने उसमें आपको एसी और डीसी में बहुत सारे डिफरेंसेस कराए थे, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, आप उसको देख लेना दोस्तों, ठीक है ना, और बात कर मैंने आपको ये पहले मेरी वीडियो बनी हुई है दोस्तों, उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल जो मैंने बिल्कुल जब मैंने बेसिक से स्टार्ट की दिया हमने, तो बेसिक मैंने आपको बताया था कि वेव फॉर्म कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तो आप वहाँ पर जाके वेव फॉर्म की आप जरूर देख लेना कि वेव फॉर्म क्या होती है, साइन वेव क्या होती है, स्क्वायर वेव क्या होती है, सातूत वेव क्या होती है, ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ठीक है ना, साइन वेव तो अब चलिए डिस्कस करते हैं हम साइन वेव के, ठीक है ना, मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोनों वीडियो में आप देख लेना कि वेव्स कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, कौन सी वेव का नाम क्या होता है दोस्तों, और
अपना एसी और डीसी में बहुत सारे डिफरेंसेस क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फिलहाल हम साइन वेव के बारे में। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप कोई भी सवाल नहीं छोड़ेंगे दोस्तों इससे, ठीक है ना। इससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों आपके पेपर में, ठीक है ना। ये हमारी क्या होती है, साइन वेव होती है। उसको क्या बोलते हैं, साइन वेव। जीरो से शुरू हुई दोस्तों, पाई बाई टू, पाई, टू पाई, और यहाँ पे क्या होती है, थ्री पाई बाई टू, ठीक है दोस्तों। यानी जीरो चली, यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, 90 होती है। यहाँ पर वैल्यू क्या होती है हमारी, 90। यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, 180। यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, 270। और यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, पूरी 360 डिग्री होती है। यानी जो एसी की जो पूरी साइकिल चलती है दोस्तों, क्या चलती है, पूरी एक 360 डिग्री की पूरी साइकिल होती है हमारी, ठीक है ना। पूरी क्या होती है, 360 डिग्री की क्या होती है दोस्तों, पूरी साइकिल हमारी होती है, ठीक है ना। अब इसमें दोस्तों मैंने उसको क्या बोला, सो क्या बोलते हैं हम इसको, साइन वेव बोलते हैं या साइनोसोडल वेवफॉर्म, साइन वेव या साइनोसोडल वेवफॉर्म बोलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसको हम, यानी यहां पर वैल्यू क्या आ गई, 0, 90, 180, 270, 360। अब यहां पे होती है दोस्तों हमारी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर क्या आ गई दोस्तों, 90 डिग्री। उसके बाद क्या आती है, 90 डिग्री का दोस्तों इसमें 30 ऐड करेंगे तो क्या आएगी हमारी, 120 डिग्री। यहाँ पर आती है 135 डिग्री और यहाँ पर आती है दोस्तों हमारी, यहाँ पर आती है हमारी 150 डिग्री। कितनी आती है दोस्तों, 150 डिग्री आती है, ठीक इसी प्रकार से साइकिल हमारी चलती रहती है। 210 डिग्री आएगा, 245 डिग्री आएगा, 270 डिग्री आएगा, यहाँ पर 280 और यहाँ पर पूरा 360 डिग्री तक पूरा ऐसे चलता रहता है दोस्तों। तो फिलहाल बात करते दोस्तों इतने पोर्शन की हम, ठीक है, ऐसे चलता रहता है, 360 तक चलती रहती है दोस्तों ये, ठीक है ना। 90 ये सेंटर में होता है हमारा। अब इसमें देखते हैं दोस्तों हमारा जो हम साइन वेव किसको देखे, साइन वेव में क्या आता है कि एक टेबल बना लीजिए साइन की, साइन की टेबल बनाते हैं कहाँ तक, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री दोस्तों, ठीक है। एक टेबल बना लीजिए दोस्तों इस प्रकार से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से टेबल बना लीजिए, उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद इस पर नंबरिंग कर लीजिए दोस्तों, उसके टेबल का नाम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4। अपॉन में 2 से क्या कर दीजिए दोस्तों, उसको डिवाइड कर दीजिए। चलिए उसका सब पे हर इसके जो अंश है दोस्तों सबका क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए। सबका क्या कर दिया हमने, रूट कर दिया है दोस्तों। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है दोस्तों। अब क्या कर लेना है, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है दोस्तों, आपको इसी का याद रखना है दोस्तों। देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, रूट हटाएंगे, इसको रूट हटा दिया, 2 से डिवाइड करेंगे 0, तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा। यानी साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका रूट हटाएंगे, रूट 1 की वैल्यू क्या आती है, 1 होती है, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा आपका, 0.5 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 0.5 आ जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों अगले दिन से चलते हैं, रूट 2/2 है, 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, सर डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना आएगा हमारा, रूट 2 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0.707 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, 0.707 हमारा आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से करते हैं दोस्तों रूट 3, यानी रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1.732। इसकी क्या होती है, 1.414 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.707 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1. कितनी होती है वैल्यू इसकी, इसकी वैल्यू होती है रूट 3 की 1.732। कितनी होती है दोस्तों, 1.732 होती है। इसको 2 से क्या करेंगे दोस्तों, हम डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड कर लीजिए दोस्तों इस प्रकार से, ये होगी हमारी, क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, 2 × 8 = 16, 1 × 3 × 6 = 12, फिर 1 × फिर 3 × 2 = 18, फिर 2 × 6 = 12, तो कितना आता दोस्तों, कितना आ गया हमारा, 0.866। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, डिवाइड करने पर 0.8
सिक्स सिक्स वैल्यू आ जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या करना है, इसकी रूट की थ्री की वैल्यू रखी 1.732, टू से डिवाइड करा कितनी वैल्यू आ गई 0.866 आ गई। इसी प्रकार से 90 कितना है दोस्तों, रूट फोर बाई टू। रूट फोर के लिए क्या होती है दोस्तों, टू होती है, और टू से टू को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, वन आ जाएगा। ये आपको दोस्तों वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पर कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन थर्टी की वैल्यू 0.5, साइन पैंतालीस की वैल्यू 0.707, साइन सिक्सटी की वैल्यू 0.8866, और साइन नाइन्टी वैल्यू क्या मिल चुकी है दोस्तों, आपको वन मिल चुकी है। ये वैल्यू आपको दोस्तों सारी मिल चुकी हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पर ये जो वैल्यू है आपने यहां पर इस प्रकार से दोस्तों इसको बढ़ा दीजिए। साइन 30 की हो गई, ये कितनी होगी दोस्तों 45 डिग्री को मैंने यहां पर बढ़ा दिया। ये क्या होता है दोस्तों, यहां पर 60 डिग्री होती है और बीच में हमारी 90 डिग्री की है, यानी यहां पर क्या वैल्यू होती है दोस्तों, वन होती है। 90 वैल्यू क्या होती है, साइन 90 वैल्यू वन होती है, नहीं मैक्सिमम वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, या इसको सारे ऊपर पॉइंट को क्या बोलते दोस्तों, पिक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक पॉइंट भी बोलेंगे, पिक वैल्यू बोल दो, मैक्सिमम वैल्यू बोल दो, ठीक है ना। ये अधिकतम मान होता है हमारा, ऊपर की वैल्यू क्या होती है पिक पॉइंट होता है, पिक वैल्यू होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये हमारा हो गया 120, 135 और 150 दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें जो देखने वाली बात है आप लोगों को कि देखिए दोस्तों, 30 की जो वैल्यू है इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा यहाँ तक दोस्तों, यानी ये आगे दोस्तों कहाँ तक, यहाँ तक आ जाएगी, कहाँ तक आ जाएगी हमारी, यहाँ तक आ जाएगी दोस्तों। जो आपकी 30 की वैल्यू रहेगी दोस्तों वही क्या रहेगी हमारी, 150 डिग्री पर ही रहेगी। 30 डिग्री पर जो रहेगा 150 डिग्री पर भी क्या रहेगा दोस्तों, वही रहेगा। यानी जो 30 डिग्री पर मैंने लिखा है दोस्तों यहाँ पर, ये इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों आपका, यानी देखिए जैसे बात करें यहीं से शुरू करते हैं, जीरो है, ये जीरो है और यहाँ पर क्या है दोस्तों 180 है, तो जीरो पे जो वैल्यू होगी जीरो, तो 180 पे भी क्या रहेगी वैल्यू, जीरो रहेगी। तो जीरो को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसके नीचे में इसकी वैल्यू को देखिए दोस्तों, साथ साथ देखते चलना दोस्तों, क्या लिख सकता हूँ उसको मैं 180 डिग्री लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दे मैंने 180 डिग्री। इसी प्रकार से 30 डिग्री की जो वैल्यू रहेगी 34 डिग्री पे, वो वैल्यू 150 डिग्री पे भी रहेगी, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर 150 डिग्री। यानी 30 डिग्री पे के नीचे क्या लिख दे मैंने 150 डिग्री। अब 45 डिग्री पे दोस्तों, 45 डिग्री है, 45 डिग्री पे कहाँ जाएगी ये वैल्यू हमारी, ये जाएगी दोस्तों यहाँ पर, कहाँ पर जाएगी दोस्तों, ये किससे मिलेगी हमारी, ये इससे जाकर मिलेगी यहाँ पर। तो जो 45 डिग्री की वैल्यू, 45 पे वैल्यू रहेगी वही क्या रहेगी दोस्तों हमारी, 135 डिग्री पर रहेगी। तो 45 के नीचे में क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 135 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या रहेगा दोस्तों, इस वाली की जो हमारी 60 डिग्री है, 60 डिग्री के साथ क्या है हमारी 120 डिग्री, यानी 60 डिग्री की वैल्यू और 120 डिग्री की, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 60 डिग्री की जगह क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 120 डिग्री। यहाँ पर क्या रहेगी वैल्यू दोस्तों, सेम रहेगी हमारी। यानी दोस्तों ये मान है, देखिए बात करना चाहूँगा आपका, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू इसको 10 मान लूँ, मैक्सिमम कितना मान लूँ इसको, 10 मान लेता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी मेरी 10 है दोस्तों, कितनी है 10 है, कितनी है दोस्तों 10 है, तो 30 डिग्री वैल्यू कितनी रही होगी, तो 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी होगी, तो 30 डिग्री वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 0.5, यानी 10 का आधा कितना होता है दोस्तों 5, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी रही होगी दोस्तों 5 रही होगी, यहाँ पर पूरी 10 है, यहाँ पर कितनी रही होगी 5 रही होगी, आपको इस चीज़ याद रखना, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, यहाँ पर भी वही रहेगी और यहाँ पर भी क्या रहेगी दोस्तों 5 ही रहेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, जो 60 की वैल्यू है ये मेरा 60 का हो गया, और उसका सामने क्या हो गया दोस्तों 120 डिग्री, क्या होगा यहाँ पर 120 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो 60 के नीचे मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, 120 डिग्री लिख दिया है। इसी प्रकार से मेरी देखिए दोस्तों, 90 पे क्या रहता है वैल्यू, 1 रहती है, 1 पे क्या रहेगी 90, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 90 क्या रहेगा दोस्तों, 90 ही रहेगा, ठीक है ना। ये क्या रहेगा दोस्तों, 90 ही रहेगा, तो आपको इस चीज़ का याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप इस टेबल को नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। और जो हमारी इक्वेशन जो होती है दोस्तों, हमारी साइन वेव की इक्वेशन की बात करूँ, साइन वेव में दो इक्वेशन लेके चलते हैं हम दोस्तों, वोल्टेज की और एक करंट की, एक वोल्टेज की और एक करंट की, दोनों के लिए बताऊंगा, वोल्टेज के लिए भी और एक करंट के लिए भी। वोल्टेज क्या लेके चलते हैं, वी बराबर वी एम साइन थीटा, क्या लेके चलते हैं, वी बराबर वी एम साइन थीटा, और करंट के लिए आई बराबर आई एम साइन थीटा दोस्तों, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, V बराबर वी एम साइन थीटा और I बराबर आई एम साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, ये साइन थीटा है हमारा, क्या है हमारा साइन थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और देखिए ये होती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू, यानी जो हमें ये दी हुई है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, और ये जो V है हमारी, ये होते हैं इंस्टेंट पे वोल्टेज, होती है इंस्टेंट पे जो वैल्यू होगी, किसी भी इंस्टेंट पर जो वोल्टेज होगी। क्वेश्चन आता है दोस्तों, इस पर भी क्वेश्चन कराऊंगा आपसे, क्वेश्चन किस प्रकार का आपसे बनेगा, क्वेश्चन आपका किस प्रकार से बनेगा वो आपको कराऊंगा दोस्तों। यानी V की बराबर वी एम साइन थीटा, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, उसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, कई प्रकार से लिखा जाता है, V बराबर और क्या लिख सकते हैं उसका, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी,
यानी थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ओमेगा टी होती है। तो लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया आपको, ओमेगा टी लिख दिया दोस्तों, क्या लिख दिया, ओमेगा टी लिख दिया। और क्या लिख सकता हूँ दोस्तों मैं इसको, वी बराबर वी एम साइन 2πft, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू, इसको मैं क्यों लिखा दोस्तों 2πft क्यों लिखा मैंने इसको, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है दोस्तों की 2πf होती है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों आपकी 2πf होती है। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, और लिख सकता हूँ वी बराबर वी एम साइन 2πt, क्या लिख सकते दोस्तों 2π। एफ वैल्यू क्या होती है दोस्तों, एफ वैल्यू होती है हमारी 1/t। एफ की वैल्यू क्या होती है दोस्तों हमारी, एफ की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/t हो जाती है। एफ की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/t हो जाती है, ठीक है ना, आपको इस चीज़ का याद रखना। एफ की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/t हो जाती है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2πt, इसको दोस्तों मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, आपको इस चीज़ का याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। क्या लिख सकता हूँ, वी बराबर वी एम साइन 2πt/t, ठीक है ना, क्या लिख सकता हूँ, ये होता है हमारा टी, और ये भी क्या होता है हमारा टी होता है दोस्तों, क्योंकि फ्रिक्वेंसी में आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्या होता है हमारा, क्योंकि एफ के वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 1/t लिख सकता हूँ, एफ के वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 1/t, तो उसको ये भी लिख सकता हूँ वी बराबर वी एम साइन 2π/t और टी, ठीक है दोस्तों, आपको इस चीज़ का याद रखना है दोस्तों। तो इस पर बहुत सारी इसको लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वी बराबर साइन थीटा लिख दीजिए, वी एम साइन थीटा लिख दीजिए, वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी लिख दीजिए, या वी बराबर वी एम साइन 2πft लिख दीजिए, और या वी बराबर वी एम साइन 2π/t और टी लिख दीजिए। आप कुछ भी दोस्तों इसको लिख सकते हैं, जिस प्रकार से आप याद करना चाहें दोस्तों इस इक्वेशन को आप याद रख सकते हैं, बस हमेशा आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, आपको बस हमेशा ये याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना, आपको इस चीज़ का याद रखना है दोस्तों। तो चलिए आपसे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछेगा, दो क्वेश्चन होते हैं, एक वोल्टेज के लिए होती है और एक करंट के लिए होती है, वी बराबर वी एम साइन थीटा या वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, जो प्रकार आप याद रख सकते हैं, और आई बराबर आई एम साइन थीटा या आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, जिस प्रकार से याद रख सकते हैं। चलिए मैं इसको रेफर कर देता हूँ दोस्तों, और फिर इस पर कुछ सवाल करके देखते हैं दोस्तों कि आपसे सवाल किस प्रकार से आएगा दोस्तों। दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे दोस्तों को सवाल कराता हूँ, उससे सवाल किस प्रकार का पूछेगा वो। चलिए इसको रफ कर देता हूं, देखिए ये क्वेश्चन है हमारी, ये क्वेश्चन याद रख दीजिए दोस्तों, वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी आपको फॉर्मूला आता है। आपसे सवाल देखते हैं, सवाल इस प्रकार का देते हैं, आपके सवाल आपके लिए लेके आया हूँ मैं, सवाल कराता हूँ मैं आपको कि आपसे किस प्रकार से पूछेगा दोस्तों। तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि हमारा वी एम दिया है हमको, मान लो 10 वोल्ट, कितना दिया दोस्तों वी एम दिया है, मैक्सिमम वोल्टेज दी है हमें 10 वोल्ट दी है, तो साइन 45 की मान बात करें दोस्तों, साइन 45 की मान बात करें, मैंने आपको टेबल बनाई दोस्तों, टेबल बना लीजिए आप, टेबल फटाफट बना, टेबल आप बना करके 0, 45, 60 और 90 टेबल बनाई थी मैंने आपको, ये साइन 0, साइन 60, साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो ये टेबल में मैंने डेट मान रखी, मान क्या क्या बताया था मैंने आपको, 0 बताया था उसके लिए, 0.5 बताया था उसके लिए क्या था 0.70, 760 के लिए क्या था 0.866 और 90 के लिए क्या था दोस्तों 1 था, साइन 90 11 थी, हमें वैल्यू देखो याद रखना है। इसमें क्या पूछा दोस्तों आपको, वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज दिए आपको 10 वोल्ट दिए, मैक्सिमम वोल्टेज क्या दिया आपको दोस्तों 10 वोल्टेज दी है, तो साइन 45 पे क्या वैल्यू होगी दोस्तों, साइन 45 पे यानी वोल्टेज निकालनी, इंस्टेंट वोल्टेज कितनी रहेगी आपको, मैक्सिमम वोल्टेज दी है साइन 45, साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या दिया था आपको दोस्तों 45 डिग्री पे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, यही फॉर्मूला लगा देती है, वी बराबर वी एम, वी एम की वैल्यू कितनी दोस्तों हमारी है 10, तो 10 गुना कितना करेंगे दोस्तों 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0.707, कितनी है दोस्तों 0.707, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, क्या कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा दोस्तों 0.707। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन हमारा आ गया है, आंसर इसमें आ चुका है दोस्तों हमारा, ये आ गया हमारा 17, ये हमारा आ चुका है दोस्तों कि कितना आ रहा है हमारा दोस्तों, क्या करेंगे इसमें मैक्सिमम वोल्टेज में 10 दी है और ये दी है, तो हमारा इतना आ गया हमारा, इनटू करेंगे तो 10, 0, 0, 0, 0 हो गया 1, 7, 0, 7 और 0, तो कितना आ गया दोस्तों हमारा, आ गया हमारा 7 वोल्ट, कितना आ गया दोस्तों हमारा
780 यानी इंस्टेंट वोल्टेज जो हमारी निकल के आई दोस्तों कितना है हमारी 7 वोल्ट निकल कर आ गई दोस्तों, कितने आ चुकी है हमारी 7 वोल्ट निकल कर आ चुकी है। तो इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए एक सवाल और करके देखते हैं हम इसमें कि दूसरा सवाल क्या है हमारा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इसमें दिया है इसने, दूसरा क्वेश्चन हमारा कि Vm बराबर 20 साइन ओमेगा टी, कितना दिया है दोस्तों हमारा Vm बराबर 20 साइन ओमेगा टी। तो साइन 60 पर क्या वैल्यू होगी दोस्तों, क्या होगी साइन 60 पर क्या वैल्यू होगी दोस्तों। तो देखिए इसको करते हैं कि Vm दिया है हमें, फॉर्मूला क्या होता है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की जगह क्या रखना है दोस्तों आपको 60 रखना है, ओमेगा टी की वैल्यू क्या रखना है दोस्तों आपको 60 रखना है। तो क्या करेंगे 20 इंटू 60 वाली क्या लिखेंगे हम दोस्तों 0.866, कितने रखेंगे 0.866 रखेंगे। तो इसे इंटू कर दिए दोस्तों, इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये सब जीरो हो जाएगा, 12 का 2 का हासिल लगाए, 6 दून 12 13 का 3 का हासिल लगाए, 8 दून 17 का 7 का हासिल लगा 1, और ये हो गया दोस्तों। तो कितना आएगा 1, 2, 3, तो कितनी वैली निकल गए दोस्ती हमारी, तो ये निकल गए दोस्तों हमारी वोल्टेज जो निकल गए हमारी कितनी निकल गए दोस्तों 17.32 वोल्ट। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाएगा दोस्तों, और इसी इजी तरीके से आपका दोस्तों आंसर निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यही प्रकार का सवाल था दोस्तों हमारा, क्या देखा Vm बराबर 20 साइन ओमेगा टी और साइन 60 की वैल्यू पूछी थी, तो कितने निकल गए दोस्तों हमारी 17.32 वोल्ट। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से सवाल आपसे क्या होंगे दोस्तों पूछे जाएंगे, बस आपको इसी का याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, आपको इतना ध्यान रखना है, और आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और ज़्यादा सवाल लेके आऊँगा दोस्तों, इस पर सवाल करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें दोस्तों। फिलहाल मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा, और हमेशा दोस्तों इस चीज़ को नोट करते चलें साथ साथ, ठीक है ना। आप नोट करते चलेंगे दोस्तों तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और फिलहाल मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, धन्यवाद।